नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Redmi 9 Active वर्सेस Realme Nazo 50i का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Redmi 9 Active में 6.49 इंच जबकि Nazo 50i में 6.5 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो Redmi 9 Active में 3.03 इंच जबकि Nazo 50i में 3.01 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Redmi 9 Active से कम है। बात करें थिकनेस की तो Redmi 9 Active में 0.35 इंच जबकि Nazo 50i में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो Redmi 9 Active में 194 ग्राम जबकि Nazo 50i में 195 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Redmi 9 Active में 6.53 इंचेस जबकि Nazo 50i में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Redmi 9 Active में 81.08% जबकि Nazo 50i में 80.82% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Redmi 9 Active में 269 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Nazo 50i में 270 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Redmi 9 Active में दो कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Nazo 50i की बात करें तो इसमें एक कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Redmi 9 Active में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Nazo 50i की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Redmi 9 Active में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Nazo 50i में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Redmi 9 Active में पावर GE8320 जबकि Nazo 50i में पावर GE8322 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Redmi 9 Active में MediaTek Helio G35 और Nazo 50i में Unisoc SC9863A मिलता है। बात करें RAM की तो Redmi 9 Active में दो वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB की RAM मिलती है जबकि Nazo 50i में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Redmi 9 Active में दो वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Nazo 50i में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Redmi 9 Active में अप टू 512GB जबकि Nazo 50i में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Redmi 9 Active में Android V10 Q जबकि Nazo 50i में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Redmi 9 Active में 3 कलर्स जबकि Nazo 50i में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Redmi 9 Active में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जिसमें कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 9,499 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 10,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें नाजो 50i की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 8,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Xiaomi Redmi 9 Active में एक फायदे और शून्य नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Realme Nazo 50i की तो उसमें 3 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Redmi 9 Active आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Nazo 50i आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 9 Prime है जो कि 12,499 रुपए में मिलता है। दूसरा Xiaomi Redmi 9 Power है जो कि 13,499 रुपए में मिलता है। तीसरा Samsung Galaxy F12 है जो कि 11,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M12 है जो कि 14,390 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।